शरण गुरु चरण शंकर तत्व दे नानक वाहिए गुरु जहान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी आओ सतगुरु की बख्शी पते नाल संत भाई गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुरान को शुकराना है सच्चे पातशाह जी का जिन्होंने कृपा की। अज के हफ्ता वारी शामा के दीवान सतगुरु जी के सामने बैठ के सोगर अरदास साहब के पाठ तो बाद गुरु के कीर्तनी भाई हरिंदर सिंह जी चाकर उस्ताद रघुवीर सिंह जी तिना के कीर्तनी रखे पासों सतगुरु जी की पावन पवित्र बाणी का रस्ते में कीर्तन बड़े प्यार में सारे ने सरवण किया जिथे का बहुत बहुत धन्यवाद। आओ जिथे गुरबाणी के कीर्तन के लाहे लाए उथे रल मिल के बैठ के अपने गुरु के कोलों गुरु की मत को सीखिए। सिखा सी इस गुरु के गुरु ग्रंथ साहिब जी के ते जे सानू कोई पुछे भी गुरु ग्रंथ साहिब विच की कुछ है तो फिर सानू ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि गुरु साहिब सानू की सिक्ख्या उपदेश देते हैं। तो गुरु का एक एक वचन जिहड़ा है एक एक शब्द जिहड़ा है बहुत ही महत्ता रखता है बहुत महान। एक एक वचन ने ऐसे विकारां दी खड्डां विच डिगे हुए मनुखां नूं गुरमुख बना दिता गुरसिख बना दिता। भाई साहब ने कीर्तन निरंतर जिथों कीती सी सतगुरु के वचनों तो आसा की वार सुनते हैं तो उसके वचन सब तो पहला आते हैं। गुरु नानक पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि बलहारी गुर अपने द्यो हावी सतवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी कार। मैं अपने गुरु तो सदके जाता बलिहार जाता कुरबान जाता। हुण गुरु नानक पातशाह जी का गुरु कौन सी? गुरदेव अपना बाणी भी छाप दसे जदों सिखां ने सवाल किया कि तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, तेरा गुरु कौन है जिसका तू चेला है? तो गुरदेव ने जवाब दिता कि शब्द गुरु सुरत पहुंचेगा। मेरा गुरु शब्द है क्या गुरु ते मेरी सुरती का टिकाओ इस शब्द गुरु का सिख है। गुरु ज्ञान है ते साड़ी सुरत का टिक जाना ही सिख बनना है। जदों साड़ी सुरत सिख बन गई जदों साड़ी सुरत विच गुरु का ज्ञान आ गया क्योंकि जो साड़ी सुरत विच हुंदा है उही करदा है जो साड़ी सोच विच सुरत विच है उही अज तक होया है उहदे तों बाद कुछ नहीं होया। कई बार पता नहीं लगता पर उस सुरत विच हुंदा है। तो इस करके जे संसार का ही सिमरन हर वक्त साड़ी सुरत विच चलता रहे फिर सब तो वड्डे संसारी असीं बन गए। ते जे गुरु दे उपदेश का सिमरन गुरु दी बाणी का सिमरन उस निरंकार का सिमरन साड़ी सुरत विच चले गुरु दे सिख बनांगे उस प्रभु दे प्यारे बनांगे। सुरत नूं सिखना तो गुरदेव जी कहिंदे ने कि मैं अपने गुरु तों सदके जांदा बलिहारी गुर अपने। सदके बंदा कदों किहदे तों जांदा है? जदों किसी दे विच कोई बंदा कुछ गुण देखदा है
उदय किसी तो कुर्बान जाना जी कर देना। जो किसी कोई महानता नजर आए कि भाई वाह ये तो मैं सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ वार दिया। गुरुदेव तो सिख सब कुछ वार में प्यार हो गए। जब मेरी पीढ़ी के पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इस जिम्मेवारी को संभालिया, छोटी जी उम्र सी, 11 साल की उम्र बहुत वड्डी नहीं सी, जब गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीद होए तो सतगुरु जी ने तख्त पे बैठ के सब तो पहला आख्या कि हम समय बदले ने, ते हाकम जड़े जबर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, हुण ये विचार दे नाल ठीक हो वाले नहीं, इस करके हम हथियार की लोड़ है ताकि इन्हां नूं कड़ा जवाब दिता जा सके। तो आवाज मारी के सुरमे की लोड़ है, योद्धियां की लोड़ है, शस्त्रां की लोड़ है, तो गुरु के लालों ने वहीरां कर दित्तियां। वहीरां टकियां ते आके बेनती करदे ने पातशाह ये सारा कुछ तो है, असी कौन, असी तो जदों के थोड़े लड़ लगे बस उदों के थोड़े तो सब कुछ कुर्बान कर दिता तो है। यह है कुर्बान जाना। यही देखिया कि पिछे कारोबार कारोबार बच्चे बच्चिया परिवार असी तो सब कुछ बचा के रखते ना, पर गुरमुख ने कहा है कि गुरु दे अगे समर्पण होना, गुरु दे अगे समर्पण करना बस मेरा कुछ नहीं है। कहने के पास है तो अड़ाई है, बस 6 महीने बाद एक कान के बस्तर चाहिए ते बस 2 बड़े प्रसाद ही चाहिए और सामने कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें तुम हुक्म करो क्या देखिया सी ना गुरु दे विच के गुरु बड़ा महान है, गुरु बड़िया बख्शिशां ते रहमतां नाल निवास है। ओ गुरु हरगोबिंद पातशाह, ओ सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी की जोत, मियां मीर दा विरोध किया गया। इस्लाम दे लोगां ने मियां मीर दा विरोध किया कि तू गुरु गुरु जपदा है, तो गुरु हरगोबिंद पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं जपदा है की देखे तू। मियां मीर ने एक गल कही, कहिंदे कि जदों मैं उस खुदा की याद विच बंदगी विच बैठता, जदों बैठता ना ते जदों मेरी सुरत उस खुदा दे घर जांदी है, जदों सुरत मेरे उस खुदा नाल इक होंदी है, ते कहिंदा कि उस खुदा दे तख्त ते उस वक्त मैनूं गुरु हरगोबिंद पातशाह बैठे हुए नजर आते हैं, इस करके मानता मैं मेरे वास्ते खुदा का रूप है। क्यों मैं गुरु तो कुर्बान लाया, सानू तो दिसदा नहीं ना, असी तो गुरबाणी नूं गुरु के ज्ञान नूं गुरु के शब्द नूं इस भावना नाल लिया ही हद तक भी साडा जी करे दे तो सड़के जाए कुर्बान लाए। हम गुरु नानक पातशाह जी जिन्होंने गुरबाणी रची जिन्होंने शब्द सानू दिता वो कह रहे हैं कि मैं इस शब्द तो कुर्बान दिता। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सत बार, एक दिहाड़ी विच मैं 100 बार कुर्बान हो जी करता, 100 बार तेरे तो कुर्बान सदके जाना तेरे तो मेरे मालिका, मैं सब कुछ तेरे तो बार में कर दिया कुर्बान कर दे। पूछे से भाई गुरदाना जी ने गुरु नानक पातशाह जी के पातशाह जो आप कीर्तन करते हैं, जो आप शब्द उच्चारण करते हैं शब्द गाते हैं, तो मैं देखता कि जो शब्द आरंभ होता है उदों भी तुम सिर झुका
जिस वक्त शब्द की समाप्ति होती है फिर तुम सिर झुकाते हो। पासे दाने पे तो अड़ी है पर मैंने समझ नहीं कि क्यों कर रहे हो। तो सतगुरु गुरु नानक पासे जी कह लगे बरदानिया चंगा किया तू पुछ लिया। गुरदेव कह लगे बरदानिया तेनों लगता है कि मेरी परे मेरी बाणी नहीं इस निरंकार की बाणी है उस मालक का ज्ञान है ये मेरा गुरु है। इस करके जदों मैं इसकी शुरुआत करता मैं इसमें नमस्कार करता मेरे अगर झुकदा जो समाप्ति करता तो मैं इस शब्द के अगे झुकदा यही मेरा गुरु है। तो इस ज्ञान तो सतगुरु जी कहते हैं सड़के जाना कुर्बान जाता इस ज्ञान करके ही इनिया बड़िया बड़िया कुर्बानियां शहादत हुई यही कहा जाता है कि सुख छड़ दो गुरबाणी को छड़ दो यही कहा जाता है सिखी का मतलब कि गुरबाणी सोच इस सोच को त्याग दो तो सब कुछ देने को तैयार है। पर सिखा ने कहा गुरु साहबान ने कहा कि नहीं ये नहीं त्याग सकते शरीर त्याग सकते हैं शरीर छड़ सकते हैं सब कुछ छड़न को तैयार हाँ एक कौन कुर्बान कर रहा है इन्ना कुछ इस शब्द को जिसमें इस शब्द की महानता का पता लग जाए इन पता लगे हुई कि मैं तो सब कुछ इधर तो कुर्बान कर दिया। गुरु अर्जन साहब जी बच सकते छोटे साहबजादे बच सकते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की लोड़ सी कि अपना सारा सरबंस कुर्बान करवाने वास्ते कुछ भी नहीं पर इस शब्द तो इस सोच तो इस गुरबाणी तो अपना सब कुछ नशा कर दिता कुर्बान करके इस सोच में कायम रखे। तो गुरदेव कह रहे हैं कि मैं सड़के जाता बलिहारी को अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत नला की वार यो गुरु है जिसने आम मनुखा मानस के देवते किए देवते बना दिते दैवी गुणा वाले मनुख बनाते आम इंसाना महान कर दिता जिन्होंने कदे सोचा नहीं कि असी जिन्होंने दुनिया ने नीच किया जिन्होंने शूद्र किया जिन्होंने क्या कि तुसी कदे भी कोई धर्म कर्म नहीं कर सकते तुम्हें हक नहीं है कि तुम सब के बराबर बैठ सको। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने उन्होंने साथ दी उन्होंने चुकया और चुके नहीं उन्होंने ऐसा सवारिया ऐसा सवारिया ऐसा साजिया कि दसवें जामे में धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी उन्होंने पंजा के सामने खड़े होकर कह लगे हूँ मैनू ही अपने गुरु बनाओ मैं गुरु नानक पातशाह जी ने उन्होंने चुकया से बचन भी कहे वो केवल गुरु नानक पातशाह कह सकते हैं या फिर गुरु नानक पातशाह को पूर्ण तौर पर मनन वाले कह सकता है उन्होंने किसी के वास की गल नहीं। गुरु नानक पातशाह जी ने कहा कि नीचा अंदर नीच जात नीची हो अत नीच नानक तिन कै संग साच वड्डियां स्यों क्यारी जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश नीचा अंदर नीच जात नीचा च नीच के मुखद नीचे हो अत नीच जिन्होंने अत का नीच किया गया अत दे नानक तिन कैसे साथ नानक उन्होंने संगी उन्होंने साथी जिन्होंने लोगों ने रैंक खोल गया मैं उन्होंने नाम जिन्हों के बारे कदे किसी ने सोचे नहीं होर लताड़िया जड़े गए पर गुरु नानक पातशाह ने उन्होंने सारे होर ठुकरा के लालो के घर जाके लालो गल
भाई मरदाना जी ने अपना भरा बनाया जिसन नीवी जात का निराशी कहा जाता है, शुगर कहा जाता है, जेड़ा अपने जजमाना के जोड़िया के रहा अंदर उन्होंने बराबर टिकी जाना से पूछा से गुरदेव जी ने कि थोड़े नाल जो समान साधु समान चुकी फिरता है कौन है थोड़ा नौकर कहते नहीं गुरदेव कोई रिश्तेदार ही कहते नहीं कहते कही है थोड़ा कहते मेरा भरा है मेरा भाई है और इतों तक कहता कि मरदानिया जेड़ा मेरा घर वो तेरा घर तेरे ते मेरे विच कोई अंतर नहीं कोई फर्क नहीं तेरे ते मेरे विच जिथे मैनू लोग याद करेंगे मरदाने उथे तैनू भी लोग याद करेंगे 54 साल सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी के नाम लैके उन्होंने सेवा लगाई ते सतगुरु जी ने जिन मानस से देवते किए आम मनुखा ने देवत्या वर्गी बनाता दैवी गुणा के नाल भरपूर कर दिता वह मरदाना जो पूछया अखीर के मरदानिया तो संसार तो कहना मैं जा रहा तो तेरे को कबर बना दी तेरे कहते पातशाह ना मसा थोड़ी कृपा नाल इस शरीर की कबर में निकलना चाहते हो पत्थर की कबर में मैंने बंद करना चाहते ना मैंने कुछ नहीं चाहिए दस मैंने कुछ नहीं चाहिए तो गुरदेव ने कहा कि मरदानिया तो ब्रह्म होता है तेने ब्रह्म का ज्ञान किया जिन्होंने कद सोचा नहीं सी असानू सतगुरु ने उन्हों की सार ली सी दसों पातशाह के बारे ताए तो कहते हैं विद्वान कि जिन की जात ब्रह्म कुल माही सरदारी ना पई कदाही तिन्ह ही को सरदार बनाओ तब गोबिंद सिंह नाम कहो जिन्होंने कदे सोची ही नहीं सी उन्होंने बस सरदार ने बख्श ऐसे गुरु तो सदके जाइए कुर्बान जाइए जिन्होंने जिन मानस से देवते किए करत ना लागी बार बख्शिश करन लगिया कोई ज्यादा देर भी नहीं लगी उन सज्जन में कोई बहुत साल थोड़ी लगे सन ठगिया छन लगी एक कोई बचन गुरु नानक पातशाह सुने से बस सज्जन सिख बन गया गुरमुख बन गया करतारपुर की धरती से बहुत सारे लोग गुरु नानक साहब को दर्शन करने वास्ते मिलने वास्ते आते सन एक साधुओं की मंडली भी सतगुरु के दर्शन करने वास्ते आए आई तो उन्होंने आख्या कि गुरु नानक पातशाह से बैठे होंगे बड़े पर सतगुरु गुरु नानक साहब आप ही काम कर रहे हैं कार कर रहे हैं खेती बाड़ी कर रहे हैं पशुओं के बीच तो सिख भी जड़े ने किरत करते हैं ना जदों उन्होंने आके देखिया भी असं तो सुनिया गुरु नानक पातशाह ने बड़िया बरकत से बड़िया बख्शिशा जदों दूरों दूरों देखे ना सारे काम काज करते हैं कहते असं तो कुछ होर सोचा सी पर इतने तो लगता है कि इन्होंने सारे पशु पाले होंगे उन्होंने पशु मदद है सतगुरु जी ने सिखा आके कहा भी असं तो कुछ होर इतने तो कुछ होर ही आनंद होगा पर इतने तो सारे लगे हुए हैं कहते टिको तुम जो टिके शाम का दीवान देखिया तो सवेर का देखिया तो आगे पातशाह खुल कहते पातशाह सानू माफ करना गलती हो गई सी कि असि कुछ गलत सोच बैठे पर हम दर देखिया इन्होंने कि तुम तो इतने मनुख पाले गए कहते रहो कोई गल नहीं फिर की होया अंदाजे लंबे रहा बंदा एक दो दिन रहे तो फिर आ गए कहने पातशाह तुम तो इतने देवते पाले गए तो होर नेड़े सिखा के जीवन में देखिया कुछ दिन होर टिके तो टिक के सतगुरु के मुबारक चरणों में आके डिग पै कहने के पातशाह माफ कर देना तुम तो इतने रब पाले गए सारे दिन रब नजर आए जो नेड़े होके तकिया उन्होंने उन्होंने जीवन तो प्रभाव उन्होंने कबूलिया प्रभावित होए तो कहते कि वाकई इतने तुम करतारपुर के करतार के दर्शन करा रहे
ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾਰੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉੱਜਲ ਕਿਹਾ ਚਿੰਤਨਾ ਘੋਟਨ ਕਰ ਲਈ ਬਸ ਉੱਥੇ ਰੂਪ ਨਾ ਸਹਿ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਕਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਇਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਔਗਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਮੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਪੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 11 ਭੱਟ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ, ਯੋਗੀਆਂ, ਪੰਡਤਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬੜੀ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧੰਨੇ ਕਿਆ ਖਾਰ ਤੀਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪੱਖ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੰਨ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਸ ਧੰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨੇ ਕਿਆ ਗਾਰ ਤੀਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਦਾਸ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖੇ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਦਾਸ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਪਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਤਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜੇ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੁਮਾਰ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਦ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ।
मेरा होए तो मैं तां कहना मेरा है, जी वो कल तुम्हारा तो थोड़ा दिता है, मैं कौन ये सिखी। तो गुरदेव कहते जो गुरु पक्ष से हो फिर कोई अंकार जान गुरु हुए वल तने क्या कार दीजे, जान गुरु हुए वल लख माहे क्यों कीजे, लखा दुश्मन भी कुछ नहीं लगा सकते जो गुरु वल। गुरु पक्ष से दिसरिया हुए फिर विकार रूप दुश्मन आ जाए तो कोई भी आ जाए। मतलब के बिगाड़न का मतलब होंगे कि मैनू मेरे अकीते तो नहीं डुला सकते, अकीते तो डुला नहीं सकते। मैं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने 10 लाख रैली ने घेरिया गुरु साहब जी कह रहे हैं पर गुरु साहब ने डुला नहीं सके। गुरु साहब ने अखंड तुहाड़ी सोच असी बदल के रख दी है, तुम्हें बदल देता ना। गुरु साहब का जितना है कि तुसी सानू बुला नहीं सके। 84 दे विच जिहड़े सिंह ने शहादतां दित्तियां ने, जिहड़े अंदर रह के रूझे ने टैंकां दे सामने खड़े होके अपने मुल्क दी फौज दे सामने छातियां डाह के लड़ गए, वह उन्हां नूं हरा नहीं सके। गुरु ने रणवीर सिंह बस करते ही सीखे बस नहीं लख बाही क्या कीजे का मतलब यह होंगे कि उन्होंने अकीते तो बुला नहीं सकते। जान गुरु हो वल ज्ञान और ध्यान आदन पर जब गुरु पक्ष से हो गए तो गुरु के ज्ञान के ध्यान की बदौलत आनंद पर और किसी से फिर भरोसा नहीं रखते। रब तो बगैर एक परमात्मा तो बगैर किसी पर विश्वास नहीं करते। जान गुरु हो वल शब्द साखी सो सच्चे कर जब गुरु नाल हो ते फिर कहने साक्षात शब्द साखी सो सच्चे कर गुरु दे शब्द के राही उन्होंने अपने हिरदे घर विचों साक्षात उस परमात्मा के दिलार होंगे उस मालिक के दर्शन होंगे। शब्द साखी सो सच्चे कर जान गुरु है वल ज्ञान और ध्यान अनंत पर जान गुरु है वल शब्द साखी सो सचे कर जो गुरु गुरु अहिंस जप दास भट बेनत कह जो गुरु नाम रिद में धरे सो जन्म मरण दोहों ते रहे। जो गुरु गुरु जपता है गुरु गुरु करता है कि मेरा गुरु ही मेरा सब कुछ है। जो गुरु गुरु अहिंस जप है दिन रात जेड़ा गुरु गुरु करता है दास पट बेनत कह दास पट बेनती करता है सो जन्म मरण तो होते रहे वो जम्मन मरण के खेड़ विचों निकल जाते हैं। वो ऐसी उच्ची अवस्था के मालक बनते हैं वो अवस्था नहीं भी खिणने मासा खिण करोड़ा कभी दुखी कभी सुखी कभी कुछ शरीर को लेकर शाम तक मेरे ख्याल विकट भी उन्ना रंग नहीं बदलते जिन्हें असं बदलते हैं किनिया जुमलों में लंघते असं सवेर को लेकर शाम तक। बस वो फिर एक गुरसिख ही रहा है वो एक इंसान ही रहा है एक प्रभु का प्यार ही रहा है वो जीवन में कुछ भी बद घट नहीं होंगे। दुनिया के हालात कुछ भी बन जाए पर उच्ची आत्मक अड़ोलता वाली अवस्था में एक रस उस मालक में जुड़िया रहा है। तो यह बरकत सारिया गुरु दिया ने। तो मैं बेनती करदा भाई गुरु गुरु जपया करिए गुरबाणी साडा गुरु है गुरु ग्रंथ साहब साडे गुरु ने ऐसे गुरु दे के एक बचन में जो असं समझेंगे ज्यों ज्यों असं समझते जाएंगे साडा जी करेगा पातशाह तेरे तो सब के जाए कुरबान कर दी तेरे तो सब कुछ। ऐसी महान सोच ऐसी तुहाडी सोच है कि जिस सोच ने दुनिया में बदल के रख दिता और अज भी उस सोच दुनिया में बदल की समर्था रखती है और जिन्ना चिर दुनिया रहेगी उन्होंने सच दे रहा इस सोच पाती रहेगी जेड़े भी जुड़ जाएंगे। वो इस करके विद्वानों एक गल कहनी पै गई कि गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र बाणी अजोके समय वर्तमान समय की हर समस्या का हल है। गुरबाणी वर्तमान मौका समा वर्तमान ही रहना जिन्ना चिर के चलते रहो
हर वर्तमान समय के जो समस्या है वह हल गुरबाणी लग जाएगा। पर शर्त कि जे को लभना चाहेगा तो ता जे को लभना चाहेगा तो हल है, जे को लभना नहीं चाहेगा तो फिर भावें सब कुछ कौन हो, सब कुछ होने के बावजूद भी बंदा दुखी औखा बनिया औखियाई जिंदगी बनी रही है। तो सारे का धनवाद सतगुरु चढ़ी कला बख्शिश कर मेर कर अपने चरण कमलों पातशाह जी सामने जोड़ो, असी तुहाडे उपदेश नूं जिथे समझिए विचारीए उत्थे असी मन सकीए जी। सारिया संतां का धनवाद।